ये जो बाबर का स्क्वाड आया है पाकिस्तान वाला, इसने पूरी तरह से चौंका दिया है। इंडिया से T20 वर्ल्ड कप 2024 के वार्म अप मैचेस हैं वो शुरू हो जाएंगे, और अब शुक्रवार को पाकिस्तान की टीम ने आखिरकार अपना जो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड है उसको अनाउंस कर दिया है। PCB ने चुन लिया अपने लड़ाके जो मारेंगे मैदान। आखिरकार इमाद आमिर की भी हो गई एंट्री, हसन अली हुए बाहर, खत्म हुई उनकी जर्नी। अब बाबर की सेना क्रिकेट के महाकुंभ में वार करने को है तैयार। 5 पाक प्लेयर्स भी अपने डेब्यू टूर्नामेंट में करेंगे वार। बाबर आजम कप्तान बनाए गए हैं, भले ही न्यूजीलैंड के सामने वो संघर्ष कर रहे थे, आयरलैंड के सामने एक मैच हार गए थे। तेज गेंदबाज बड़े सारे भर लिए भाई साहब, क्या करेंगे इतने गेंदबाज ये पता नहीं, लेकिन भरे रखे। पाकिस्तान ने 2 दिन पहले अपना जो स्क्वाड था वो अनाउंस कर दिया। सोमवार से वार्म अप मैचेस खेले जाने हैं और पाकिस्तान ने शुक्रवार की रात को, देर रात को अपने स्क्वाड को अनाउंस किया। लेकिन ये जो बाबर का स्क्वाड आया है पाकिस्तान वाला, इसने पूरी तरह से चौंका दिया है। इंडिया से T20 वर्ल्ड कप 2024 के वार्म अप मैचेस हैं वो शुरू हो जाएंगे, और अब शुक्रवार को पाकिस्तान की टीम ने आखिरकार अपना जो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड है उसको अनाउंस कर दिया है। यानी कि वार्म अप मैचेस के शुरू होने से 3 दिन पहले पाकिस्तान का जो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड है वो सामने आया है। बाबर आजम कप्तान, अबरार अहमद, आजम खान, फकर जमान, हारिस रऊफ, इफ्तिकार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, सैयम अयूब, शादाब खान, शाहिन शाह अफरीदी और उस्मान खान। अगर मान लीजिए कोई चोटिल हो जाता है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वीज़ा करवाएगा, वीज़ा करवाने के बाद किसी खिलाड़ी को भेजेगा कहाँ पर, अमेरिका खेलने के लिए। पीसीबी ने चुन लिया अपने लड़ाके जो मारेंगे मैदान। आखिरकार इमाद आमिर की भी हो गई एंट्री, हसन अली हुए बाहर, खत्म हुई उनकी जर्नी। अब बाबर की सेना क्रिकेट के महाकुंभ में वार करने को है तैयार। 5 पाक प्लेयर्स भी अपने डेब्यू टूर्नामेंट में करेंगे वार। आखिरकार रुख से पर्दा उठ ही गया, बड़ी बेसब्री से जो इंतजार था आखिरकार वो घड़ी आ ही गई, जब पीसीबी ने T20 वर्ल्ड कप 2024 टूर्नामेंट के लिए 15 मेंबर वाली पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बाबर आजम ग्रीन आर्मी के मुखिया होंगे ये तो तय था, लेकिन बाबर की सेना के अहम लड़ाके कौन कौन होंगे, इस सस्पेंस से पर्दा उठ गया है। वैसे तो ये पहले से ही करीब करीब तय माना जा रहा था, हालांकि कुछ पाक प्लेयर्स पर सस्पेंस गहराया हुआ था। अब पाक स्क्वाड के ऐलान के साथ ही वो सस्पेंस भी खत्म हो गया। बाबर आजम कप्तान बनाए गए हैं, भले ही न्यूजीलैंड के सामने वो संघर्ष कर रहे थे, आयरलैंड के सामने एक मैच हार गए थे, लेकिन सेलेक्टर्स का भरोसा उन पर है और यही वजह है कि बाबर खेल रहे हैं। शाहिन शाह अफरीदी जो बीते मैच में सीरीज थे, बीते सीरीज में एक सीरीज हारने के बाद बेचारे ड्रॉप कर दिए गए थे, वो भी इस टीम में है, हालांकि वो वाइस कैप्टन नहीं है। मोहम्मद रिजवान इस टीम का हिस्सा है, अबरार को इस टीम में रखा गया है, हारिस रऊफ भी इस टीम का हिस्सा है। तेज गेंदबाज बड़े सारे भर लिए भाई साहब, क्या करेंगे इतने गेंदबाज ये पता नहीं, लेकिन भरे रखे हैं। अब्बास अफरीदी इस टीम का हिस्सा है, नसीम शाह जो हैं इस टीम का हिस्सा का है, गुलू मोलू आजम खान इस टीम का हिस्सा है, उनसे बड़ी उम्मीदें भी हैं क्योंकि फाइनली उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में डिलीवर करना शुरू किया और जिस तरह से आयरलैंड के सामने आखिरी 2 मैच उन्होंने मारे हैं, पाकिस्तानियों को बड़ी हाई होप है कि आजम खान उनके लिए कुछ कमाल करेंगे, धमाल करेंगे, कुछ बेमिसाल करेंगे और कुछ बड़ा करके देंगे। इसके अलावा इफ्तिकार चचा जो हैं वो भी, चचा को इस जगह में जगह दी गई है, उनसे भी पाकिस्तानी उम्मीद करेंगे शायद अफ्ती मेनिया जो है वो आ जाए। इस टीम में मोहम्मद आमिर को जगह मिली है और मोहम्मद आमिर से उम्मीदें पाकिस्तानियों को बड़ी है। इस टीम में पाकिस्तान के टैलेंट सैम अयूब को जगह दी गई है, इमाद वसीम को भी जगह दी गई है, ये एक अच्छा फैसला है मेरे हिसाब से। इमाद एक टैलेंटेड प्लेयर है और जिस तरह से उन्होंने PSL में डिलीवर किया था या बाकी जगह, हालांकि उन्हें बाबर खिलाते कम है, बैटिंग ना के बराबर देते हैं, गेंदबाजी में भी इन एंड आउट रखते हैं, बट उनको भी जगह दी।